हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि वीडियोज़ में डिले होता जा रहा है, तो उसके लिए मैं आपको सॉरी बोलना चाहती हूँ, लेकिन जैसे ही मुझे टाइम मिला है मैंने आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर दी है। देखिए, आज की इस वीडियो के अंदर आपको टाइटल और थंबनेल देखकर पता लग ही गया होगा कि आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं जो आपके एचटेट जनरल सेक्शन के अंदर जो आपका मटेरियल आता है। मैं कोशिश करूँगी कि जो सिलेबस है जिस पे मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक नोट किए हैं वो भी मैं साथ में अटैच कर दूँ ताकि आपको भी वो दिखते रहें। तो उसके अंदर फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि आप 15 में से 15 नंबर अचीव कर सको। देखिए फ्रेंड्स, 15 में से 15 मैंने बोल तो दिया है, लेकिन हो सकता है कि आपके 14 नंबर 13 नंबर आराम से आ सकते हैं, क्योंकि उसमें मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बताती हूँ भाई। सिनोम्स और एंटीनोम्स भी आते हैं, तो सिनोम्स और एंटीनोम्स का मतलब इतना ज़्यादा हमारे पास भंडार है कि हम सारे याद नहीं कर सकते, लेकिन हम सिलेक्टेड तो याद कर सकते हैं, साथ में जो प्रीवियस ईयर में आए हैं वो भी हम लोग याद कर सकते हैं। तो वो हमें याद ज़रूर करके जाने हैं, अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई तो उसमें से आ जाएगा तो हमारा काम चल जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अब आप लोगों का कन्फ्यूजन ये है कि भाई हम पैडागोजी वाली तैयारी करें या फिर ग्रामर वाली तैयारी करें, तो वो मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन कौन से टॉपिक तैयार करने हैं, कहाँ कहाँ से आप टॉपिक तैयार कर सकते हो। आपके फ्री में टॉपिक तैयार करवा दूंगी, बस आपको वीडियो कम्प्लीट देखनी है। एक फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा जो डर लगता है लोगों को हरियाणा में खासकर, वो इंग्लिश से लगता है कि भाई इंग्लिश तो पता नहीं कैसी हवा होगी, लेकिन यकीन मानिए एचटेट में जो इंग्लिश आती है, बल्कि हिंदी जो होती है वो थोड़ी बहुत हार्ड होती है, लेकिन इंग्लिश जो होती है बिल्कुल लेवल की आती है। हाँ भाई, एचटेट के लेवल की आती है, ये नहीं बिल्कुल लो लेवल की आ जाए, जिसके अंदर आपके मतलब सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं वही हर बार रिपीट होते हैं। तो अब मैं बात करूँ आपको पैडागोजी पढ़नी है या ग्रामर पढ़नी है, तो आप देखिए आपको पैडागोजी भी पढ़नी है, ग्रामर भी पढ़नी है। पैडागोजी की मैंने पीछे 6-7 वीडियो करवा रखी है जिसके अंदर मैंने पैडागोजी कम्प्लीट करवाई थी। अब मेरा आगे का प्लान ये है कि आपको मैं कंप्लीट पैडागोजी लेकर के आ जाती हूँ, जिसके अंदर मैं आपकी थ्योरी करवा देती हूँ। चाहे 1 घंटे की वीडियो बने, 2 घंटे की, 3 घंटे, कितने भी घंटे की वीडियो बनो, आपके लिए एक वीडियो मैं बना देती हूँ जिसके अंदर आपकी कंप्लीट इंग्लिश पैडागोजी हो जाएगी। ठीक है, तो पैडागोजी की टेंशन आप लोग ख़त्म कर दीजिए, इतनी ही पैडागोजी होती है, ज़्यादा कुछ इतना डीप नहीं आता। ठीक है, तो वो आपके मैं एक वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगी। बाकी आप लोग पहले वाली भी देख लीजिए, चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें 6-7 वीडियो है एचटेट इंग्लिश पैडागोजी 2023 न्यू सिलेबस के नाम से, तो उसको कवर कर लीजिएगा। और ये जो नई वीडियो है ये आपको मिल ही जाएगी, साथ में एक वीडियो मैं मेरी जो आगे की जो प्लानिंग है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँगी जिसके अंदर प्रीवियस ईयर सोल्व करेंगे हम पैडागोजी से रिलेटेड। तो पैडागोजी से घबराने की तो आपको ज़रूरत है नहीं, जो एचटेट का न्यू सिलेबस दिया गया था, फिर भी उसमें जो कुछ टॉपिक है वो मैं आपके सामने डिस्कस कर लेती हूँ। जैसे कि आपका लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज लर्निंग, ये टॉपिक दिया गया है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल, हालांकि पिछली बार उन्होंने सिलेबस में डाला था लेकिन पैडागोजी से एक भी क्वेश्चन नहीं उठाया और इस मुद्दे को काफ़ी हाईलाइट किया गया था, तो उस बेस से हम सोच सकते हैं कि आपके जो 15 क्वेश्चन आने हैं आपके इंग्लिश के, तो उसमें हो सकता है कि आपकी 5 से 7 नंबर की आपको पैडागोजी देखने को मिल जाए, बाकी ज़्यादा वेटेज आपकी ग्रामर की भी रहेगी। और पिछली बार की तरह भी हो सकता है भाई सिर्फ आपको ग्रामर ही दे दी जाए, लेकिन आपको दोनों काम करके चलने हैं। उसके बाद आपका टीचिंग लर्निंग मटेरियल वाला टॉपिक हो जाता है, ऑडियो विजुअल एड्स हो जाती हैं, ठीक है, लैंग्वेज डिसऑर्डर हो जाते हैं, डिसग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, ठीक है, ये सारे हो जाते हैं। उसके बाद आपको नोम चोमस्की, वाइगोट्स की, प्याजे, भाई ये आपको साइकोलॉजी वाले पार्ट में भी पढ़ना है, आपको हिंदी पैडागोजी के लिए भी इनको तैयार करना है और आपको इंग्लिश पैडागोजी के लिए भी इनको तैयार करना है। कंसेप्ट वही है, सिर्फ लैंग्वेज बदल जाती है इंग्लिश में जब वो आते हैं। तो ये तीनों टॉपिक भी आपको पैडागोजी के लिए तैयार करने हैं। उसके बाद लैंग्वेज के प्रिंसिपल क्या होते हैं, लैंग्वेज के फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक, ये टॉपिक आपको तैयार करना है। ग्रामर की नीड क्यों होती है, रोल ऑफ ग्रामर क्या है, कौन कौन से मेथड हो सकते हैं जिनसे इंग्लिश आपकी पढ़ाई जाती है, लैंग्वेज स्किल्स क्या क्या होती हैं, आपका LSRW, लिसनिंग की क्या क्या स्किल्स हैं, आगे सब टाइप्स, और रीडिंग की क्या क्या है, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, स्किनिंग, स्कैमिंग, ये सारे क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से। जो जो टॉपिक मैं आपको बोल रही हूँ ना, नोट कर लो, ये सारे टॉपिक आप लोग तैयार कर लेना, बाकी आपको वीडियो मिल ही जाएगी। रेमेडियल टीचिंग हो गया, इवेल्युएशन हो गया, डायग्नोस्टिक हो गया, रोल ऑफ होम लैंग्वेज हो गया, मल्टीलिंग्वलिज्म हो गया,
ये सारे टॉपिक आपको आपके सिलेबस के अंदर दे रखे हैं, इंग्लिश का जो न्यू सिलेबस है उसके अंदर। तो ये सारे टॉपिक आपको तैयार करने हैं। ये आपको बोलने में बहुत ज़्यादा लगे होंगे, लेकिन मैं इतना दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप 2 से 2.5 घंटे में इनको प्रिपेयर कर सकते हो, अच्छे से कर सकते हो, और मैं करवा दूँगी आपको। आप यकीन मानो, आप बिल्कुल हड़कंप मत मचाओ, टाइम नहीं बचा हुआ है। आप लोग जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, भाई प्रीवियस वीडियोज़ पड़ी हुई हैं तो आप उनको तैयार कर लो, फिर आपको जल्दी ही न्यू वीडियो मिल जाएगी, उसको देख लेना और साथ में प्रीवियस ईयर कर जाना, आपका काम बन जाएगा। अब आ जाओ भाई ग्रामर पे। ग्रामर के टॉपिक यहाँ से जरूर मतलब आने ही हैं, 100% हर बार आते आए हैं। सबसे पहला टॉपिक भैया आपका टेंस वाला बन जाता है। टेंस से हर बार क्वेश्चन आता है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा और वहाँ पे आपसे टेंस के हिसाब से आपसे फिल करवाएगा। आपको देखना होता है भाई इफ़ प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है तो आगे क्या फिल करना है, वर्ब वाले ही एक प्रकार से आप समझ लो। इसके लिए मैंने पिछली बार 3 वीडियो बनाई थी, जिसके अंदर मैंने प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों को अलग अलग समझाया, 3 से 4 वीडियोज़ के अंदर। लेकिन अब की बार आपको 2 से 3 दिन में एक वीडियो मिल जाएगी, जिसके अंदर टेंस को मैं कंप्लीट करवा दूंगी और साथ में उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको करवाऊंगी उसी वीडियो के अंदर, प्लस आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए भी दिए जाएंगे कि आप उनको खुद सोल्व करो। ओके, तो ये काम आपका मैं निपटा दूंगी टेंस वाला। इससे आपके 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से फंसने की पूरी उम्मीद होती है, चाहे वर्ब की फॉर्म में भरवा लें। भाई वर्ब तभी तो कर पाओगे ना जब आपके टेंस क्लियर होंगे, अदरवाइज कैसे कर पाओगे। उसके बाद एक टॉपिक आ जाता है आपका कंजक्शन वाला, नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और, नाइदर नोर, ठीक है, तो ऑल्दो, येट, ये सारे जो क्वेश्चन होते हैं, तो जो कंजक्शन जो जोड़ने का काम करते हैं, कंजक्शन वाला टॉपिक है वो आपको करना है। मॉडल्स वाला जो टॉपिक है वो आपको करना है। टेंस हो गए आपके, मॉडल्स हो गए, कंजक्शन हो गए। अब जो प्राइमरी में है पीआरटी के लिए, ये वीडियो पीआरटी टीजीटी पीजीटी तीनों के लिए है, तीनों इसको देख सकते हैं भाई। पीआरटी वाले एक पंक्चुएशन वाला टॉपिक कर जाना और एक आर्टिकल वाला टॉपिक, क्योंकि पीआरटी वाले लेवल में ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं काफ़ी बार। उसके बाद आपका भाई एक एरर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आपके, जिसके अंदर हो सकता है कि टेंस से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन दे दें, या फिर हो सकता है नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वहाँ से एरर आपको छाटने पड़ जाए। अगर उनकी आपकी नॉलेज क्लियर है तो आप वो एरर छाट पाओगे, तो ये भी करवाएंगे आपको। प्लस में आपका आ जाता है भाई सिनोम्स, एंटीनोम्स, ईडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये आपके आ जाते हैं भाई वोकैब का पार्ट, ये भी जरूर पूछे जाते हैं। एक दो क्वेश्चन इनसे जरूर उठाए जाते हैं, दो दो भी बन जाते हैं, एक एक तो बनता ही बनता है, तो 4 से 5 नंबर के आप वो कैब मान के चलो। इसके लिए आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर करनी है, साथ में आपके पास कोई बुक है उस बुक के सिनोम्स कर लो, ज़्यादा मत करो, क्योंकि सिनोम्स एंटोनोम्स इतने ज़्यादा हैं, अगर हो सकता है आपको देखते ही समझ में आ जाए, आप देखते ही उसका आंसर कर लो, और हो सकता है कि भाई इतना हार्ड आ जाए कि आपने इतना पढ़ रखा है तब भी आप ना कर पाओ। हाँ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, फ्रेजेस, ये तो आप लोग याद कर लीजिए, कुछ सिलेक्टेड मैंने करवा भी रखी हैं और भी मैं आपको करवा दूंगी, तो उससे मत घबराइएगा, इडियम्स फ्रेजेस मैं आपको करवा दूंगी, ठीक है। उसके बाद भैया आपके मॉडल्स हो गए, एक आता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इससे क्वेश्चन बनते हैं, और मैंने लगभग 25 से 30 रूल करवा रखे हैं, वीडियो भी करवा रखी है, अगर आपका क्वेश्चन आता है तो उससे बाहर नहीं जाता है, ये भी आपकी गारंटी है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, ठीक है। तो वो टॉपिक आपको करना है, अगर आप लोगों की डिमांड रही तो उसको मैं न्यू सिरे से दोबारा से करवा दूंगी, वो भी शायद मैंने 2 से 3 वीडियो में करवाया है, अब कोशिश करेंगे उसको एक ही वीडियो में करवा दें। वॉइस वाला टॉपिक जरूर करना है, 1 से 2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं, नरेशन वाले टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं, वॉइस, नरेशन, टेंस, प्रीपोजिशन बिल्कुल नहीं छोड़नी है। ये जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं सिलेक्टेड टॉपिक हैं, 8-10 टॉपिक हैं, ये आपको ज़रूर तैयार करने हैं। आपके चैनल के ऊपर जो प्लेलिस्ट है उसमें भी आप लोग चेक कर सकते हैं, एक बार जाइएगा चैनल पर, जब आप विजिट करते हैं तो उसमें होम होता है, फिर आपके सामने वीडियोज़ का ऑप्शन होता है, एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन होता है, उसको क्लिक करना, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी एसटेट इंग्लिश ग्रामर के नाम से, तो आप लोग उसमें भी देख सकते हैं। प्लस आप लोग जुड़े रहिएगा, आपको जल्दी ही सारे टॉपिक्स पर जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं इन पर अलग अलग सेपरेट वीडियोज़ मिलेंगी विद क्वेश्चन आंसर, वहाँ से आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बाकी आपके कोई क्वेरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। इस प्रकार से आप अपनी रणनीति लेकर के चलते हो, अभी आपके पास 2 महीने 10 दिन के आसपास यानी 2.5 महीने का टाइम है, तो इस 2.5 महीने में आप लोग आराम से 15 में से 14 क्वेश्चन आराम से सही कर सकते हो, एक आध आपका तुक्का भी लग सकता है, ठीक है। तो 15 में से 14 क्वेश्चन आप अगर आप लोग यहाँ से निकाल सकते हो, प्लस एक बात और, जिनका टीजीटी पीजीटी इंग्लिश है अगर वो ये टॉपिक तैयार करते हैं तो यहाँ पर तो उनकी हेल्प हो ही रही है,
साथ में वो 15 से 20 क्वेश्चन आप जो आपका जो सब्जेक्ट है वहाँ पर भी गेन कर लोगे, यही सेम टॉपिक वहाँ पे भी आने हैं, तो वहाँ पे भी आपका डबल प्रॉफिट है। आप तो इन टॉपिक को तैयार करने से आप लोग तो 30 क्वेश्चन प्लस हो जाओगे आराम से, क्योंकि 10 से क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, वॉइस, नरेशन, प्रीपोजिशन, ये सारे आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक में भी आने हैं और जनरल में तो आने ही आने हैं। जो पेडागोजी है इंग्लिश की वो आपकी इसमें भी आनी है और साथ में जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उसमें भी आनी है, तो आपको वो भी तैयार करना है। बाकी आपका टीजीटी पीजीटी सब्जेक्ट स्पेसिफिक के लिए भी काफ़ी डाउट आ रहे हैं, तो उसके बारे में मैं आपके सामने जल्द ही वीडियो लेकर के आती हूँ, जिसमें मैं आपको क्लियर कर दूँगी कि आपको कौन कौन से टॉपिक कहाँ कहाँ से कैसे तैयार करने हैं। आप लोग उनको तैयार कीजिएगा, बस अपनी जो कंटिन्यूटी है उसको ब्रेक मत कीजिए, आप लोग कंटिन्यू लगे रहिएगा, आप लोगों का काम बन जाएगा, आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आपका क्लियर ज़रूर हो जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर यही जानकारी थी, अगर आपका कोई डाउट मुझसे छूट गया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी उसका रिप्लाई करने की। बाकी जल्दी आपके सामने टेंथ वाला टॉपिक लेकर के मिलती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके साथ जुड़ें और उनको भी फ्री क्लासेस मिल सके और मुझे उनसे मोटिवेशन मिल सके। ओके, बाय, टेक केयर।